नमस्कार, बोल्सकाई में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास समाप्त हो रहे हैं और शुभ व मांगलिक कार्य शुरू होंगे। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन ही सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं देवउठनी एकादशी व्रत के नियम। देवउठनी एकादशी के दिन प्रभु शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी कराया जाता है। ऐसे में इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ने की मनाही होती है। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो इस दिन साधारण भोजन करें और मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। एकादशी तिथि के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। एकादशी के दिन आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।